हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद मुहैदे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को मुहैदे की तौसीख ना करने का हुक्म। समझौते की एक भी शिक कानून के मुताबिक नहीं। रियासत ने धरने वालों के सामने घुटने टेक दिए। जस्टिस सिद्दीकी बरहम, कहा जख्मी पुलिस वालों की दादरसी तक मुकदमा खत्म नहीं होगा। इंतजामिया मसाजिद और मदारिस से कुफर के फतवे बंद करा के एहसान करे। आवाम को के गैर मयारी पानी की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। वजीर आला मुराद अली शाह, अदालत तलब, इंसानी जानों को खतरात लाहक है, खामोश नहीं रह सकते। चाहते हैं जिसने अमल दरामद करना है वो खुद मौजूद हो। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स का, महमूदाबाद ने 50 एकड़ जमीन कैसे अलॉट की। साबिक सिटी नाजिम मुस्तफा कम अदालत आकर जवाब दे। मुझे लगता है कि इमरान खान के फैसले में और जागीर तरीन के फैसले में भी मुझे ही नाइल कर किया जाएगा। लगता है इमरान खान और जहांगीर तरीन नाहली केस में भी मुझे ही जाएगा। सहाफी के सवाल पर नवाज शरीफ का शगुफ्ता जवाब। साबिक वजीर आजम ने अपने वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर फैसला लिया जाए। कुलसुम नवाज की अयादत के लिए जाना है। ये भी कहा कि मुल्क का वजीर आजम रहा लेकिन किस तरह यहां बिठा दिया गया। रेफरेंसेस की समाअत दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। 2018 का नशी ने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। लोड शेडिंग खत्म करने का वादा कबल अज वक्त पूरा कर दिया। क्या ये वादा खिलाफ, क्या इसी बुनियाद पर कहा गया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं। साबिक वजीर आजम की पंजाब हाउस में गुफ्तगू, कारकुनों के नारे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी कुछ देर बाद होगा, अहम फैसले मुतवक्के। तमाम वालों की तकलीफ हो रही है कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है। परवेज मुशर्रफ को 2 दफा आईन तोड़ने का जवाब देना पड़ेगा। देखना चाहिए उल्मा की तहरीक के पीछे कौन है, वसे बर्दा हकायक क्या है। माजी में तहरीक निजाम मुस्तफा के नाम पर मार्शल लॉ आया। परवेज मुशरफ को आइन तोड़ने का जवाब भी देना होगा। कैप्टन सफदर रिटायर्ड की मीडिया से गुफ्तगु। मरियम औरंगजेब कहती हैं अंधेरे खत्म करने का वादा पूरा कर दिया। इमरान खान कल आज भी बदजुबानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की रेफरेंस यकजा करने की दरखास्त पर फैसला आज सुनाएगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। असा सजाद रेफरेंस में साफदार अदालत से गैर हाजिर। साफदार अदालत से छुप नहीं रहे बल्कि लंदन में जेरे इलाज हैं। मुल्जिम के वकील की वजाहत। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। नई मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पेश कर दी। डू मोर का मुतालबा लिए अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस एक रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी कयादत भी अपना मौकिफ दो टोक अंदाज में पेश करने के लिए तैयार। कराची में साहिल पर नौजवान जाफिर के कत्ल का मुकदमा, गिरफ्तार 4 मुलजमान पर दर्ज। में इस्तेमाल 3री गाड़ी भी बरामद। मुलजम खावर ने फायरिंग का एतराफ कर लिया।
टाल मटोल के बजाय मुलाजिमों ने कोटा मुख्तस करने का वादा पूरा किया जाए, दी गई नौकरियां पक्की की जाएं। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालबा के बाहर एहतजाज। सीएम साहब आपसे गुजारिश ये है कि आप खुद नोटिस लें, मुज़ाकरात करें, हमारे साथ मुलाकात करें और हमारे मसाइल हल करें। ना ये कोई हमें सीटें अनाउंस कर रहे हैं, ना कोई नौकरियां दे रही है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हम कल रात 11:30 बजे के खुली सड़क में बैठे रहे रात ठंड। क्वेटा में सर्द हवाओं का बसेरा, ठंड बढ़ते ही गैस का प्रेशर, आवाम की मुश्किलात में इजाफा, कराची में भी खुनकी बढ़ गई।